स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में, और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। टी20 वर्ल्ड कप में आज टीम इंडिया सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला खेलेगी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। मुकाबला होगा बारबाडोस में। चलिए आपको बताते हैं कि बारबाडोस का मौसम कैसा रहेगा और कैसा होगा पिच का मिजाज। तो सबसे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान बारबाडोस के इस मैदान पर पहली बार आमने सामने दिखेंगे। इससे पहले टीम इंडिया ने बारबाडोस में 2 टी20 मैच खेले हैं और दोनों ही मैच भारतीय टीम ने गंवाए हैं। दोनों में ही हार मिली, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और एक वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम मैच हारी थी। अब देखते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा रहेगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इस पिच पर अब तक 47 टी20 मुकाबले खेले गए हैं और 30 बार डिफेंड करने वाली टीम ने मैच जीता है, मतलब जिसने बाद में गेंदबाजी की है उस टीम ने मुकाबले ज्यादा जीते हैं यहां पर, जबकि बाकी बचे हुए मैच जो है वो टारगेट चेस करने वाली टीम जीती है। तो यहां पर टारगेट डिफेंड करना ज्यादा सक्सेसफुल रहता है अगर बारबाडोस की हम पिच की बात करें तो। और यहां पर टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, आमतौर पर ऐसा ही देखा जाता है। पहली इनिंग का बारबाडोस में जो औसत स्कोर है वो है 138 रन, यानी यहां पर ज्यादा रन नहीं बनते, लेकिन न्यूयॉर्क जैसा भी नहीं होगा कि टीम केवल 110-115 रन तक ही रुक जाए। यहां पर थोड़े ज्यादा रन बनेंगे और बैटिंग को भी कुछ मदद मिलेगी, क्योंकि दिन का मुकाबला है और एक बार विकेट से मॉइस्चर चला जाएगा तो बल्लेबाजों को भी यहां पर थोड़ा बहुत मदद जरूर मिलेगी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर हम इस पिच की बात करें, बारबाडोस की पिच की, तो यहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक मुकाबला खेला गया था जो हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। 201 रन उसमें ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए थे, तो यहां पर ज्यादा रन भी बन सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस मैदान पर हाईएस्ट टोटल जो है वो 244 रनों का है, तो 244 रन तक भी यहां पर टीमें पहुंची हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम मैदान पर उतरेगी तो ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं और क्वालिटी तेज गेंदबाज भी हैं। नवीनुल हक हैं, फजल हक फारूकी हैं, फजल हक फारूकी स्विंग भी अच्छे से कराते हैं। और राहुल द्रविड़ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि सब अफगानिस्तान के स्पिनर्स की बात करते हैं लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि अफगानिस्तान के पास अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं जो इस टी20 वर्ल्ड कप में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो हमें तेज गेंदबाजों से भी बचना होगा, ये भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है। यहां पर आपको बता दें बाउंड्रीज ज्यादा बड़ी नहीं है जैसी न्यूयॉर्क में थी, उससे थोड़ा सा कम बाउंड्रीज, छोटी बाउंड्रीज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बारबाडोस की जो पिच है वो बिल्कुल ग्राउंड के सेंटर में नहीं है, पिच थोड़ा सा एक साइड ज्यादा कम है बाउंड्री और एक साइड थोड़ा ज्यादा लंबी है बाउंड्री, क्योंकि पिच सेंटर में नहीं है। यहां 60-40 का रेशियो है, पिच को अगर ध्यान में रख के हम देखा जाए, यहां देखें ग्राउंड को, तो 60-40 का रेशियो यहां पर होता है। और यहां पर जो विंड हवाएं जो चलती हैं वो थोड़ा मॉइस्चर के साथ थोड़ा ऐसी हवाएं चलती हैं जिनसे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। टॉस जीत करके जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसे ये सावधानी बरतनी चाहिए कि यहां पर तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर मिलेगा, नई गेंद से स्विंग भी होगी और अफगानिस्तान के पास अच्छे तेज गेंदबाज भी हैं। अगर मौसम की बात करें तो कल हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, 5 मिनट हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन ज्यादा बारिश की आशंका नहीं है, केवल 10% ही बारिश की आशंका जताई गई है मौसम विभाग के अकॉर्डिंग। तो पूरा मैच होगा धूप खिली रहेगी, लेकिन दिन का मैच होने की वजह से गेंदबाजों को मदद ज्यादा मिलेगी, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, थोड़ा सा बल्लेबाजों को संभल करके बैटिंग करनी पड़ेगी। तो यह था भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबले की पिच का हाल।